सिविलाइज्ड इंडियन। गोदी मीडिया, आईटी सेल और भाजपा के नाक में अकेले एक व्यक्ति ने दम कर रखा है। जब आप तथ्यात्मक ढंग से किसी व्यक्ति से नहीं जीत सकते हैं, तब आप उनके बारे में झूठी खबरें फैलाना शुरू करते हैं। ऐसा ही कुछ भाजपा की आईटी सेल करना चाह रही है ध्रुव राठी के साथ। पहले से ही ध्रुव राठी को तरह तरह के नामों से संबोधित किया जाता रहा है भारत में राइट विंगर्स द्वारा, और अब जबकि ध्रुव राठी ने अपने काम का लोहा मनवा दिया है भाजपा और आईटी सेल और गोदी मीडिया के तंत्र को, तो उनके खिलाफ फेक न्यूज का भी सिलसिला शुरू हो गया है। इस वीडियो को बनाने की प्रेरणा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से ली गई है, क्योंकि हाल ही में उन्होंने अपने एक भाषण में कहा है कि लोकतंत्र की भलाई के लिए, देश में सुख शांति के लिए, देश की एकता के लिए कृपा करके जो भी फेक वीडियो निकलते हैं उनको हम एक्सपोज करें। ऐसे कोई भी वीडियो, कोई भी तस्वीर आपके व्हाट्सएप पर आए तो किसी सोशल मीडिया पर दिखे तो मेरा रिक्वेस्ट है पुलिस को जानकारी दे। तो प्रधानमंत्री की इस बात की मान रखते हुए आज हम फैक्ट चेक करेंगे ध्रुव राठी की इस बात का। आप जब ध्रुव राठी पर लगाए गए आरोपों को देखेंगे तो आपको अफसोस भी होगा और आपको हंसी भी आएगी, क्योंकि किस प्रकार के आरोप उस पर लगाए जा रहे हैं। आप पहले इस पोस्ट को देखिए, ध्रुव राठी ने खुद इसे शेयर किया है। पहले पोस्ट में क्या है, डू यू नो ध्रुव राठी'स वाइफ फादर इज पाकिस्तानी, कांग्रेस, ध्रुव राठी, पाकिस्तान लेफ्ट इकोसिस्टम, सब मिले हुए हैं। और इसी प्रकार दूसरा एक व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट है जिसमें ध्रुव राठी के बारे में बताया गया है कि उनका असल नाम बदरू राशिद है, बदरुद्दीन राशिद लाहौरी, और ध्रुव राठी से रिलेटेड पर्सनल कई सारी बातें उसमें बताई गई हैं, जिसमें से एक भी बात तथ्यात्मक ढंग से देखें तो सही नहीं है। आप गूगल से एक सर्च की दूरी पर है, विकिपीडिया पर जाकर आप तमाम सूचनाओं को देख सकते हैं। उसके अलावा कई और वेबसाइट्स और यूट्यूब चैनल वालों ने उनकी बायोग्राफी डाल रखी है। इन 2-4 महीने में आई वीडियोस से पहले लोगों ने ध्रुव राठी को लेकर वीडियोस बनाई है, लाइफ स्टाइल पर वीडियोस बनाई है, आपको जाकर देखनी चाहिए, उससे आप क्लियर हो जाएंगे। और इस प्रकार जो एक फेक न्यूज का तंत्र गोदी मीडिया और भाजपा और आईटी सेल मिलकर चलाना चाह रही है एक यूट्यूबर के खिलाफ, वो सब कुछ बेनकाब हो जाएगा। लेकिन आइए बात करते हैं एक यूट्यूबर के बारे में। पिछले 2 सालों में कई यूट्यूब चैनल्स को डिलीट करवाया गया है इस सरकार द्वारा। अभी भी यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक पर सरकार का दमन जारी है। सरकार आए दिन ही इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नोटिसेस भेजती रहती है, पोस्ट डाउन कराने के लिए, आईडी बंद कराने के लिए, और कई मर्तबा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आजीद आकर इनकी निंदा कर रही है कि भारतीय सरकार कर क्या रही है, करना क्या चाहती है। ध्रुव राठी से भाजपा को इतनी चिढ़ क्यों है? इस सवाल का जवाब काफी आसान है। 22 फरवरी 2024 को ध्रुव राठी ने डिक्टेटर पार्ट 1 बनाया। उसके बाद से ध्रुव राठी का नाम काफी ज्यादा सुर्खियों में आया। भले ही पहले से ध्रुव राठी को मिलियंस में लोग देख रहे थे, करोड़ से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स थे उनके पास पहले से ही। उसके बाद फिर 1 अप्रैल 2024 को डिक्टेटर पार्ट 2 बना दिया। 23 अप्रैल को हाल में ही ब्रेन वॉश वाली वीडियो बनाई। इस प्रकार व्हाट्सएप और गोदी मीडिया का तंत्र लोगों के दिमाग को साफ कर रहा है और दिमाग की जगह पर हीरे को फिट कर दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एक गाय का गोबर जो होता है वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है। तो इससे साफ हो जाता है कि पिछले 10 साल में जो गंध मचाया है सरकार ने, गोदी मीडिया ने, आईटी सेल ने मिलके, उसको एक व्यक्ति हफ्ते महीनों के रिसर्च से साफ कर दे रहा है। साफ हो ही गया है लगभग। जिन लोगों ने भी देखा होगा उनको कम से कम कुछ तो समझ आ ही गया होगा, जो समझना चाहते हैं। अब आप उनके सामने इतिहास की जितनी भी किताब रख दें, जितने भी तथ्य रख दें, हाउसिंग हिस्टोरियन अपनी जानकारी में सुधार नहीं करता है। ध्रुव राठी के काम का इम्पैक्ट इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पिछले कई सालों में मेनस्ट्रीम मीडिया में ना तो कोई ऐसा व्यक्ति आया, ना ही YouTube पर। YouTube पे एक से एक एनालिसिस करने वाले लोग मौजूद हैं, आकाश बैनर्जी हो या नीतीश राजपूत हो या फिर मोहक मंगल हो और या फिर ऑफिशियल पिंग ह्यूमन। इस प्रकार के तमाम चैनल्स अपने काम से लोगों को प्रभावित करते रहे हैं, पहले भी, अभी भी कर ही रहे हैं। लेकिन ध्रुव राठी ने जिस प्रकार वक्त की गनीमत को समझते हुए लोकतांत्रिक ढांचे को लेकर जिस तरीके से अपनी चिंता जाहिर की है अपने वीडियोज में, ये काफी प्रभावशाली रहा है और लोगों के अंदर संवेदनशीलता बढ़ाने में इनकी वीडियोज ने काफी काम किया है। मोदी जी ने वॉर रुकवा दी पापा। गोदी मीडिया और आईटी सेल की मेहनत ने आम जनता को मानव बम बना दिया है। पिछले 10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड को उठाकर देखें तो देश में 4000 से भी अधिक छोटे बड़े दंगे हुए हैं, सांप्रदायिक हिंसा देखी गई है। दंगों के बावजूद भी पालघर वाले हिंसा को जिस प्रकार से सांप्रदायिक रूप दिया गया था, या इसी प्रकार कोरोना को सांप्रदायिक रूप दिया गया, सबका नतीजा ये हुआ है कि अब लोग मानव बम बन चुके हैं। व्हाट्सएप पर जिस प्रकार आप गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग भेज रहे हैं, उसी तरीके से आप ऐसे वीडियोस के लिंक्स भी भेजिए, साथ ही तथ्यों को भी चेक किया करें। जब आपके पास कोई चीज आती है तो आप गूगल पर जाकर उसके बारे में एक बार फैक्ट चेक तो कर ही सकते हैं, एक क्लिक की दूरी है, चेक करिएगा तो तथ्य आपके सामने आ जाएगा। जो भी फेक वीडियो निकलते हैं उनको हम एक्सपोज करें।
इससे आप एक आम नागरिक से जिम्मेदार नागरिक बन जाएंगे और आपका परिवार मानव बम बनने से बच जाएगा। मैंने वो ऑप्शन इसलिए नहीं चुना क्योंकि मुझे सही में देश की परवाह है। मैं अपने सेल्फिश मोटिव्स को सेकंड प्रायोरिटी दे रहा हूं और सबसे ऊपर मैं देश को लगा रहा हूं यहां पर, क्योंकि मुझे देश की परवाह है, इसलिए मैं ये मुश्किल द रोड नॉट टेकन है ना, वो ले रहा हूं यहां पर। धन्यवाद। देखिए, पहले एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड आती थी तो कभी कभी वो ग्रामोफोन रिकॉर्ड में वो पिन अटक जाती थी, और जब पिन अटक जाती थी तो कुछ ही शब्द बार 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 वो रिकॉर्डिंग में सुनाई देते थे, आपको मालूम है ना। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनकी पिन अटक जाती है तो एक चीज दिमाग में भर जाती है तो बोलते रहते हैं। सच दिखाना आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा सकता है। हाँ।